हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुर देसी। आई एम योर हेल्थ केयर फ्रेंड एंड माय नेम इज रश्मि दत्ता। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम मिफिजिस जो किट है उसको सही तरीके से किस प्रकार खा सकते हैं। वैसे तो मैं इस वीर पर वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट उसका जो साउंड था वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, बहुत सारी डिस्ट्रेक्शन उसमें हो रही थी। हालांकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उस वीडियो को और काफ़ी अच्छी चल रही है वो, लेकिन मैंने सोचा कि इसको दोबारा बनाना चाहिए ताकि आप तक मेरी जो आवाज़ है वो अच्छे से पहुँच जाए और आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएँ। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मिफिजिस किट होती है ये किस लिए यूज़ होती है, ये प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते, अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है यानी कि आप अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाना चाहते हैं, तो ये किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मिफिजिस किट होती है, मेरी एडवाइस अगर आप सुनेंगे तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को, नियर बाय जो डॉक्टर है जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, आप उसके पास जाइए और अपनी जो जो स्थिति है उसको बताइए, ताकि आपको जो आप जो किट के बारे में मैं बता रही हूँ वो आपको आप डॉक्टर की सुपरविजन में खा सकें, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर फर्दर जो हो आगे तो जो डॉक्टर हैं वो हैंडल कर सकें। बाकी जो किट पर अगर हम आ जाते हैं, जो कि किट होती है, सबसे पहले आपको इसके लिए प्रेगनेंसी होनी चाहिए। प्रेगनेंसी ये नहीं, आप कंफर्म प्रेगनेंसी होनी चाहिए यानी कि आपको लग रहा है, उस बेसिस पर आप ये किट ना खाइए इसको, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी है, आपने किट जो बाज़ार में मिलती है, आपने वो किट लाया, आपने जो ये किट है जो जिससे आप टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट, वो किट आप ख़रीद के ला सकते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर पे, वो अवेलेबल होती हैं। जैसे प्रेगा न्यूज़ हो गया, इस तरीके की किट आती हैं, आप लीजिए। और मॉर्निंग में जो सुबह का आपका जो यूरिन होता है, जो आप टॉयलेट करती हैं उसकी जो बूंदें हैं वो डालकर उससे चेक कीजिए, क्योंकि उससे आपको कुछ ज़्यादा जो है कंफर्म प्रेगनेंसी का पता लग जाएगा। तो सही समय आपका मॉर्निंग में होता है। बाकी बात करते हैं जब आपकी प्रेगनेंसी भी कंफर्म हो जाती है, तो ये जो किट होती है, जो मिफिजिस किट होती है, ये काम करती है 63 डेज तक। अगर आपकी प्रेगनेंसी 63 डेज से कम की है तो ही ये काम करेगी, और 30 डेज से ऊपर की होनी चाहिए। अगर आपकी सिचुएशन दोनों मतलब इससे मैच करती है, अगर आपकी जो प्रेगनेंसी अर्ली है तो आप इस किट को ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप क्योंकि एक सिचुएशन और भी होती है, अगर आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक है तो भी एक जो किट है ये काम नहीं करेगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, आपकी जो प्रेगनेंसी अगर यूट्रस में ना होकर यूट्रस से बाहर है, तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये जो प्रेगनेंसी होती है जानलेवा होती है, तो इसको अर्ली डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए और डॉक्टर आपको एक जो अल्ट्रासाउंड है वो करवाएंगे, और इससे पता लगेगा कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कहाँ है। तो इससे आप पहचान भी सकते हैं, आप जान सकते हैं और इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं। हालांकि ये जो होता है बहुत रेयर केस होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर आपकी ये कंफर्म है कि आपको यूट्रस में प्रेगनेंसी है, उसके बाद आपने सोच लिया है कि आपने ये किट खाना चाहते हैं, तो किट खाने का तरीका क्या है, क्योंकि उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें जो ये आप पिक्चर देख लीजिए, इस तरह की जो किट आती है, किट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो मिफिजिस किट होती है इसमें 5 टैबलेट होती हैं, एक बड़ी टैबलेट होती है और 4 छोटी होती हैं। जो छोटी वाली इस तरीके की टैबलेट होती है, इसको मिफेप्रिस्टोन बोलते हैं। ये 200 mg की होती है और ये हमें मॉर्निंग में लेनी होती है ब्रेकफास्ट के बाद। आप जब अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके 1 घंटे के बाद ये टैबलेट ले सकते हैं। उसके बाद ये इसका काम बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, जो ये टैबलेट होती है मिफेप्रिस्टोन की, ये जब आप लेते हैं इसका, ये अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। इसके मैं काम के बारे में बता देती हूँ। देखिए, जो मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट अगर लेते हैं, इससे जो प्रेगनेंसी होती है आपकी वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, यानी कि आगे प्रेगनेंसी की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देता है। टर्मिनेट करने का मतलब है कि आपका जो प्रेगनेंसी है, जो आपका एम्ब्रियो बना है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है, यानी कि यूट्रस की लाइनिंग को तोड़ देता है। इसका काम जो होता है वो होता है, जो आपकी प्रेगनेंसी को की ग्रोथ करने में जो हार्मोन होता है वो हेल्प करता है, यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, इसका जो लेवल होता है ये बढ़ता रहता है।
जब आप ये टैबलेट लेते हैं मिफेप्रिस्टोन की, तो ये प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है बिल्कुल गिरा देता है, जिससे कि प्रेगनेंसी आपकी कंटिन्यू नहीं हो पाती, तो वही टर्मिनेट हो जाती है। ये जो है टर्मिनेशन के लिए यूज़ होती है, और आगे अपने यूट्रस जो है, जो पीसीस हैं, ये यूट्रस को खाली करने के लिए आपको जो 4 टैबलेट हैं उसको लेना होता है। ये नहीं आपने एक ही टैबलेट ली, आप एक के बाद जो पूरी किट है आपको ख़त्म करनी पड़ती है। जब आप ये टैबलेट ले लेंगे आज, तो इसके बाद आपने जो नेक्स्ट 4 जो टैबलेट्स हैं वो आपने जो 24 से 48 घंटे के बीच बीच में लेनी है। यानी कि मैं अगर आपको टाइम बताऊं, यानी कि आज ली है तो एक दिन छोड़कर उसके नेक्स्ट डे आप ले सकते हैं उसको। जो 4 टैबलेट होती हैं उसको आपने ये टंग है इसके नीचे रखना है और हल्का सा पानी लेके मुंह में रखना है ताकि वो अच्छे से घुल जाए। तो उसके घुलने के बाद वो आप पूरा अंदर से निगल लीजिएगा और पूरा अच्छे से दवाई, क्या कि जितनी भी दवाई आपके मुंह में है वो सारी आपकी अंदर चली जाएगी। इसको जब आप 4 टैबलेट्स जो मीजोप्रिस्टोन है ये इसकी ले लेते हैं, तो मीजोप्रिस्टोन का जो काम है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करना होता है। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, जो आपका सर्विक्स है वो ओपन हो जाता है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी कोई होती है उस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया जैसा फील हो सकता है और पेन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। तो इस केस में जब आपका, जैसे आप टैबलेट आपने ले लेते हैं, आधे घंटे के बाद ही आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, और 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ब्लीडिंग अगर नहीं हो आधे घंटे के बाद, तो 4 घंटे के अंदर अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद जो है आपको काफ़ी जो फ्लो होता है ब्लीडिंग का बहुत हैवी रहता है, इतना हैवी होता है कि आप एक घंटे में दो दो पैड आपको चेंज करने पड़ते हैं, और प्लस आपको जो है बड़े बड़े जो पीसीस है वो आप देखने को आपको मिल सकते हैं। प्लीज़ अगर ऐसा कुछ होता है तो आप डरिए मत और बहुत ज़्यादा मतलब हैरान मत होइएगा, ताकि मैं इस वीडियो में आपको बता ही रही हूँ कि इस तरीके के पीस आप देख सकते हैं। तो ये जो है अच्छी बात होती है, क्योंकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो जो है टर्मिनेट हो रही है, और जो गोली है, जो टैबलेट्स हैं, उन्होंने अपना काम यानी कि सही तरीके से वो कर रहे हैं। आपकी जो ब्लीडिंग होती है ये काफ़ी हैवी रहती है 6 घंटे तक, यानी कि पीसीस आते रहेंगे, ब्लीडिंग बहुत हैवी रहेगी, दर्द जो है बहुत ज़्यादा रहेगा, इस तरीके से रहेगा। लेकिन 6 घंटे के बाद ब्लीडिंग जो है थोड़ी थोड़ी कम होती रहेगी, और ये 2 से 4 जो दिन है इसके अंदर हैवी ब्लीडिंग ही रहती है। उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है ये कब तक रहती है, ब्लीडिंग आपकी पूरी 10 से आपके 12 दिन तक रहती है, और ये मॉडरेट होती रहती है। जब आप पूरी किट ख़त्म कर लें, आपको लगता है कि हाँ मेरा हैवी ब्लीडिंग भी हुई है, सही तरीके से किट ने काम किया है, लेकिन फिर भी आपको 15 डेज पर अल्ट्रासाउंड एक करवाना है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपका जो आपकी जो किट है उसने सही तरीके से काम किया है, और आपके यूट्रस जो है एकदम से खाली हो गया है। अच्छे से खाली होने का मतलब है एकदम कोई पीस नहीं रहा है, क्योंकि अगर कोई पीस रहता है तो आगे आपको कोई हेल्थ इशू हो सकते हैं, तो उससे बचने के लिए वो कंफर्मेशन आपको करना ज़रूरी है। तो आप डॉक्टर के पास जाइए 15 दिन बाद, और एक अल्ट्रासाउंड आप उनसे बात कीजिए, और अल्ट्रासाउंड आप लिखवा सकते हैं और वो आपको करवाना है। और अगर आपको ब्लीडिंग जो है वो नहीं रुकती, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है, और आगे जो फर्दर जो चीज़ें हैं वो आपके डॉक्टर बताएगी कि किस तरीके से आपको करना है। तो ये पूरी जो है जो किट है मिफेजिस किट, इसके बारे में आपको मैंने ये बताई है। मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है कि अगर नहीं हो ब्लीडिंग तो क्या रीजंस हो सकती हैं और आपको क्या करना चाहिए, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आई बटन पे भी क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगी।